भागलपुर का जर्दालू आम अपने लाजवाब स्वाद के कारण हमेशा से ही लोगों का पसंदीदा रहा है। भागलपुर के इस जर्दालू आम की मिठास के गवाह देश विदेश के कोने कोने में फैले हुए हैं। खुद महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्य न्यायाधीश के अलावा कई मंत्री और अन्य प्रतिष्ठित लोग भी जर्दालू आम का मिठास का लुफ्त उठाने के लिए व्याकुल रहते हैं। यही नहीं, अब जर्दालू आम लोगों के जिह्वा में स्वाद देने के बाद सियासत में भी मिठास घोल रहा है। वैसे तो आपने भागलपुरी जर्दालू आम के कई किस्से सुने होंगे, लेकिन वहीं अब यहाँ से पीएम मोदी के नाम से प्रख्यात मोदी आम भी प्रसिद्धि पाने लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तरह तरह के फैन तो आपने देखे ही होंगे। कोई उनके लिए टैटू बनवाता है तो कोई उनका पूजा करता है। लेकिन आज इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जिस कहानी को जानने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे। दरअसल भागलपुर के मैंगो मैन अशोक चौधरी की प्रधानमंत्री मोदी के प्रति खास दीवानगी देखने को मिल रही है। अशोक चौधरी एक आम का उत्पादन कर रहे हैं जिसका नाम मोदी रखा गया है। जी हाँ, यह बिल्कुल ही सच है। पीएम मोदी ने जब पहली बार 2014 में जीत हासिल की तो भागलपुर के अशोक चौधरी ने उस समय दो आमों को क्रॉस करके एक आम का उत्पादन किया था जिसका नाम मोदी रखा गया। 2019 में जब वो जीते तो फिर दो आम का क्रॉस कर नया आम का उत्पादन किया गया जिसका नाम मोदी 2 रखा गया। दोनों पेड़ों में इस बार जबरदस्त आम का उत्पादन हुआ है। मोदी आम पूरा हरा है तो वहीं मोदी 2 लाल लाल है, देखने लायक है। इस आम के देश के साथ साथ विदेशों में भी खूब डिमांड है। दरअसल अशोक चौधरी ने बताया कि 2014 में नए आम उत्पादन कर मोदी रखा, वहीं 2019 में वो जीते तो फिर क्रॉस कराकर हमने नया आम उत्पादन किया जिसका मोदी 2 नाम रखा गया। 2024 में वो फिर जीतेंगे, इसके बाद फिर नया आम उत्पादन होगा जिसे मोदी 3 नाम रखा जाएगा। मोदी 2 आम का पेड़ बहुत ही छोटा है, लेकिन इस बार भारी मात्रा में उत्पादन काफी स्वादिष्ट होगा। उन्होंने यह भी बताया कि साल 2021 में जब पहली बार इसका उत्पादन हुआ था तो आम की चर्चा हुई, तब से अब तक कई राज्यों के लोग इस पेड़ को लेकर गए हैं। आपको बता दें कि सुल्तानगंज महिषी निवासी अशोक चौधरी मैंगो मैन के नाम से खूब प्रसिद्ध है। वो कई एकड़ में आम का उत्पादन कर रहे हैं। जर्दालू आम को 2018 में GI टैग दिलवाने वाले में इनका योगदान है। 2007 से अब तक प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को जर्दालू आम इनके बगान से भेजा जाता है। इस समय अशोक चौधरी जर्दालू आम संगठन के अध्यक्ष भी हैं।